हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? और भाई, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस राय में। मेरा नाम ध्रुव है। तो भाई, स्पेशल नाइट रिव्यू होने वाला है टाटा की टैगोर के बारे में, जो इनकी सब कॉम्पैक्ट सेडान है उसके बारे में। अर्पित मेरे जो सब्सक्राइबर है, काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे थे कि भाई इस गाड़ी पे लाओ, तो फाइनली भाई मैं ले आया हूँ इस गाड़ी पे। स्पेशल नाइट रिव्यू, सब कुछ चेकआउट करेंगे, हेडलाइट कितनी पावरफुल है, फॉग लाइट कितनी पावरफुल है। इसीलिए जानबूझ के बहुत डार्क हो चुका है, इसीलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। कैबिन में जितनी भी लाइट्स हैं बटन के साथ, जो इल्यूमिनेटेड बटन्स हैं, वो चेकआउट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन्फोटेनमेंट, डिक्की में क्या लाइट है, एंड सभी कुछ एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये इसका एग्जेट प्लस वेरिएंट है। अब चाहे आप सीएनजी ले लो, चाहे आप ले लो इसका पेट्रोल वर्जन, बात बिल्कुल सेम रहने वाली है, बिकॉज जो पूरा लाइट का सेटअप है इन एंड आउट वो बिल्कुल सेम है। सो गाड़ी को जैसे आप फ्रंट से देखते हो, अभी ये करंटली अभी DRLs हैं। मैं अंदर बैठ के भी थ्रो करके दिखाऊंगा कितनी पावरफुल ये लाइट्स हैं, बट स्टिल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे DRLs हैं जो आपको वाइट LED में मिल रहे हैं। कुछ यहाँ पे अगर आप फ्रंट से देखते हो, ये इसके हेडलैम्प और फॉग लैम्प हैं, जो कि मैं अभी आपको पूरा सेटअप जला के दिखा देता हूँ। सो यस, ऐसा कुछ लुक आता है गाड़ी का। मैंने टर्न इंडिकेटर्स और इसके जो हेडलाइट्स और फॉग लैम्प सब कुछ ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर मिल रहा है हैलोजन बेस्ड, और आपकी जो हाई बीम है उसमें आपको हैलोजन जो नॉर्मल हेडलाइट आती है वही मिल रही है। फॉग लैम्प भी हैलोजन बेस्ड हैं और इनका थ्रो अच्छा है सच में। आपके टर्न इंडिकेटर्स भी आगे हैलोजन में मिलते हैं, जो हेडलाइट यूनिट में मिल जाते हैं। ओवर वीएम्स पे आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, जो कि अच्छे लग रहे हैं देखने में। कुछ ऐसा लुक आता है गाड़ी का। पीछे से अगर मैं गाड़ी की बात करूँ, सो आपको गाड़ी पीछे से काफ़ी कमाल की दिखती है। वो जो LED स्ट्रिप आ रही है टेल लैम्प में, अभी मैं अकेला हूँ इसीलिए वो बार में जला के नहीं दिखा सकता, बट स्टिल अगर कोई होगा तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे LED बार आपको मिल जाता है, जो आपकी स्टॉप लाइट आती है। उसके अलावा हैलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। देन यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट की अगर मैं बात करूँ, तो आपको वाइट LED में दी है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इवन पंच में भी ये वाइट LED में ही मिलती है। तो ऐसा कुछ लुक आता है पीछे से गाड़ी का, और अच्छी लग रही है देखने में। अब अगर मैं इसके इंटीरियर से आपको बताऊं, यहाँ पे जो इसका कोई बूट लगेज लैंप आपको मिल रहा है, तो अभी देखो ये CNG है, फिर भी आपको एक अच्छा खासा बूट लगेज लैंप ऊपर की तरफ मिलता है, और एकदम सेंटर में तो पूरी लाइट उसकी स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, पूरी लाइट उसकी बूट में स्प्रेड हो जाती है, जो आपको येलो कलर की लाइट दी है। अब CNG टैंक नहीं होता तो वो और अच्छे से दिखता, बट अच्छी लाइट है, वो पावरफुल है। तो ये हो गया रिगार्डिंग इसके बैक प्रोफाइल के। इवन फ्रंट से मैं आपको बता चुका हूँ, यही इसके एक्सटीरियर में लाइट्स हैं। ऊपर वो जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है वो एक मिनट में जला के दिखा देता हूँ आपको। यस, तो आप देख सकते हो पूरा वो आपका रेयर विंडशील्ड कवर करता है, और यहाँ पे आपकी स्टॉप लाइट जो है वो थोड़ी और डार्क हो जाती है, जो कि अच्छी खासी विजिबिलिटी देती है। इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि मैं अंदर से दिखाऊंगा जब बात रिवर्स पार्किंग कैमरा में आपको देखने की आएगी विजिबिलिटी की, रात के टाइम में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। सो ये है पूरा इसका एक्सटीरियर प्रोफाइल। अब चलते हैं अंदर और चेकआउट करते हैं। सो यस, यहाँ पे जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ नहीं तो गाड़ी की बैटरी अननेसेसरी जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो डोर ट्रिम पे, तो एक लाइट डी है यहाँ पे। अब वो कौन सी लाइट है, तो ड्राइवर साइड का जो विंडो बटन है ना, उसमें आपको सिर्फ लाइट मिल रही है, और उसके अलावा जो भी आपकी इलेक्ट्रिक विंडोज़ हैं पीछे की दोनों और पैसेंजर साइड की, वो जो चारों बटन हैं, सिर्फ तीनों में लाइट नहीं दी है, सिर्फ एक ही बटन है जो ड्राइवर साइड का दिया है और उसी में लाइट दी है। इवन जो आपके ORVM कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, इनमें भी कोई लाइट नहीं दी है, जो कि मुझे लगता है एटलीस्ट चलो वो समझ में आता है, बट यहाँ पे इन्होंने एक बोलते हैं ना ग्राफिक भी नहीं दिया है, जैसे ये विंडो का ग्राफिक यहाँ दिया है, इनमें नहीं दिया है। इवन ये वाली जो लाइट है, इसमें एक लाइट दी है रेड कलर की, अगर आप इसको लॉक एंड अनलॉक करेंगे विंडो, जो आपका लॉक बटन होता है, सिर्फ यही एक लाइट है, और एक ये कि हाँ लॉक है और ये मतलब अनलॉक है वैसे टाइप। इंटीरियर में अगर आप देखते हो गाड़ी को, सो आपको बहुत से बटन्स में यहाँ पर लाइट मिलती है। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसकी जो कैबिन लैम्प्स हैं, ठीक है, वो वाइट LED में अंदर की तरफ दिए हैं, जो कि और सेंटर में दिए हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रंट में दिए हैं या पीछे दिए हैं, एकदम सेंटर में दिए हैं, जो आपका ये बी पिलर है ना उसी की लाइन में है। और अगर मैं उसको अभी गाड़ी को मैं अनलॉक करता हूँ, तो ये देखिए गाड़ी का जो कैबिन है ना, वो अच्छा खासा लाइट दे देता है यहाँ पर। अगर आप इवन ये साइड से देखते हो,
ये मैं लॉक करता हूँ फिर से, तो वो एकदम हल्के से डिम आउट होती है, और ये मैं ऑन करते ही तो ऐसे कुछ है, तो अच्छी इल्यूमिनेशन देता है कैबिन में। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं अनलॉक करके, तो ये देखिए एकदम ब्राइट कर देता है कैबिन को आगे एज वेल एज पीछे। ये देखिए पीछे भी लाइट है, बिकॉज इसमें जो लाइट दी है वो LED दी है, और वो भी सेंटर में। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको लेके ये नहीं किया कि सिर्फ आगे आगे वो चीज़ को दिया है, ये चीज़ यहाँ पे दी है, तो इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। स्पेशली जब बात कन्वीनियंस यूज़ की आती है ना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो अब यहाँ अंदर बैठ के अगर मैं दिखाऊँ आपको सारी चीज़ें, यस ये कुछ यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप आपका जो बटन है उसके अराउंड भी आपको लाइट मिल रही है, जो कि अच्छी लग रही है। और इसको ऑन करते हैं, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट आती है, ठीक है। अब मैं अपनी मोबाइल की लाइट बंद कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से सब दिखाता हूँ। तो यस ऐसे कुछ इंटीरियर्स हैं यहाँ पे। अभी आपको बहुत पूरा ब्लैक्ड आउट दिख रहा होगा, मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट भी बंद कर दी। तो यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। सो ऐसे कुछ ये एकदम लिट अप होता है, अच्छे खासे कलर कॉम्बिनेशन है इसमें, जो वाइट कलर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊं, यस तो ऐसा कुछ है। अब मैं ये अपना सारी लाइट्स चालू कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, इस साइड पे आपको कुछ नहीं मिलता। ऑल्सो यहाँ भी अपना इस साइड पे भी कोई बटन नहीं है। जो भी लाइट्स हैं आपको इस सेंटर पैनल पे और यहाँ पे मिल रही हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। अगर मैं रैप करूँ उसको तो ऐसा कुछ वहाँ पे डिजिटल आपका जो टैकोमीटर है वो राइज होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में एक बड़ी सी MID है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एवरेज दिखा रहा है, ट्रिप ए ट्रिप बी आपको डिस्टेंस टू MT, देन नीचे की तरफ आपको टेम्परेचर भी दिखा रहा है। तो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बस एक यही शिकायत है कि इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो लाइट है वो थोड़ी और ब्राइट हो जाती ना। अगर वो थोड़ी और ब्राइट हो सकती थी तो वो ज़्यादा बेटर होता। यस ऐसा कुछ है, तो वो थोड़ी डिम लग रही है मुझे, बट ठीक है अभी उस लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है, बट टोटल डार्क हो जाएगा ना वो ज़्यादा बेटर लगेगी। एंड यहाँ पे सिर्फ ये लाइट है, देन इस तरफ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इंफोटेनमेंट की बात करें तो ये भी अच्छा खासा ब्राइट है, ऐसा नहीं है कि ब्राइट नहीं है। हैजर्ड बटन के ऊपर लाइट है, एंड इवन जब आप इसमें थीम चेंज करोगे अपना, यस तो अभी ब्लू कलर का है थीम 1, थीम 2 पे जाओगे तो ग्रीन हो जाएगा, और ये अच्छा लग रहा है देखने में गाड़ी के। अगर पूरा ओवरऑल लुक के हिसाब से देखें, थीम 3 कुछ पिंक कलर का शेड है, थीम 4 में आपको यहाँ पे ऑरेंज शेड मिल जाता है, और थीम 5 में रेड मिलता है। रेड बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम के हिसाब से, रेड काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये कुछ है इंफोटेनमेंट का पूरा, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशंस इसमें मिल रहे हैं रात के टाइम में। नीचे की तरफ यहाँ पे 4 बटन है, जिसमें आपका डिक्की खोलने के लिए एक है, CNG के लिए लॉक आपका लॉक एंड अनलॉक है, और ये फॉग लैंप आपके फ्रंट वाले जो ऑन हो गए वो ग्रीन लाइट शो करेगा, यानी कि ऑन है। ये देखिए इवन जो आपका CNG वाला पार्ट है ना, अभी गाड़ी में CNG करंट है नहीं, बट अगर उसको भी ऑन करोगे ना तो ऐसी ही कुछ ग्रीन लाइट आएगी जो आपके इस फॉग लैंप के बटन के नीचे आ रही है, यानी कि वो CNG पे स्विच हो चुकी है। देन बात करें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो नीचे की तरफ आपको मिल रहा है, तो ऐसा कुछ है जो AC आप चालू करोगे ना नीचे कोई लाइट नहीं आएगी, हालांकि इन सब कंट्रोल्स पे लाइट है, जैसे AC लिखा है, ऑटो ऑफ लिखा है, यहाँ पे यहाँ 4 बटन में लाइट है। इवन जो भी कंट्रोल आप करोगे AC का, फैन स्पीड, वो सब आपको इंफोटेनमेंट में दिखाएगा कुछ ऐसे वाइट कलर के फॉन्ट में जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड इवन आप टेम्परेचर भी देखोगे तो ऐसी कुछ लाइट आएगी, तो वो आपके हिसाब से है पूरा कि आप किस हिसाब से सेट कर रहे हो लाइट्स का। मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, यहाँ पे नीचे कहीं लाइट नहीं है, आपके 12V के सॉकेट में भी नहीं। ये जो सेंटर पैनल है ना, ये वाला यहाँ पर, मैं एक मिनट लाइट जलाता हूँ, ये जो यहाँ पे सेंटर पैनल है ना, इसमें कहीं भी लाइट नहीं है, सिर्फ इनमें लाइट है, इन सारे बटन्स में लाइट है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा डिम है हालांकि, एंड उसके अलावा वहाँ भी लाइट नहीं है, पैसेंजर वाली विंडो कंट्रोल पे वहाँ पीछे भी लाइट नहीं है। सो ऐसा कुछ है पूरा लाइट्स के रिगार्डिंग। बूट की डिक्की की तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एंड पीछे अगर मैं बताऊँ, पीछे तो हालांकि कोई लाइट नहीं है,
इवन इन विंडो कंट्रोल्स में भी आपको लाइट नहीं मिलने वाली। एंड यहाँ पे कैबिन लाइट जो है वो अच्छी खासी पावरफुल है। आप देखो मैं बंद करता हूँ तो ये देखो, ये तो मेरा फ्लैश लाइट है बट स्टिल ऐसी कुछ लाइट आ रही है। अच्छी पावरफुल लाइट्स हैं, उसके अलावा तो यस और कोई लाइट नहीं है। ऑल्सो भाई रात के टाइम में अगर मैं आपको कैमरा की क्वालिटी दिखाऊं, बहुत पिक्सेलेट होता है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। सो ऐसा कुछ कैमरा की क्वालिटी है और इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है कि आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो या फिर आप जूम कर सकते हो, वैसा वाला कोई फीचर नहीं है इसमें। बट स्टिल ये कुछ ऐसी क्वालिटी है और ये डिसेंट से थोड़े नीचे ही है, मतलब जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, बट ठीक है, काम चला हुआ है। मैंने कैमरा को भी साफ किया तब जाके ऐसी क्वालिटी है अगर आप देखते हो। और अगर मैं ब्रेक लाइट पे पैर रखता हूँ तो थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ये देखो काफ़ी दूर तक विजिबिलिटी जाती है। वो जो गाड़ी खड़ी है ना पीछे, नेक्सॉन या हैरियर, वहाँ तक लाइट जा रही है और अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है। तो इससे आप देख सकते हो कि पीछे कुछ है कि नहीं है, तो आपको एक अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है ऑन एंड ऑफ अगर मैं करके बताऊँ। अब बात करते हैं इसके DRLs, हेडलैम्प, आपके फॉग लैम्प, इन सब की बातें करते हैं कि वो कितनी पावरफुल हैं। थोड़ा कांच एरिया, थोड़ा ग्लास एरिया साफ करके दिखाऊं, तो ये देखिए अभी थोड़ा मिट्टी था इसीलिए वो ऐसा दिख रहा था। अब देखिए आप, ये मैं यहाँ पे इस, ये देखिए ये DRLs ऑन है, ये ऑफ है, दिख रहा है आपको फर्क? तो ऐसे कुछ DRLs ऑन एंड ऑफ है। ये लो बीम कर लिया मैंने, ठीक है, लो बीम के साथ यहाँ पे मैंने फॉग लैम्प ऑन कर लिया, ये फॉग लैम्प बंद कर दिया, देखो आप फर्क कितना है, ठीक है। अब लो बीम के मैं हाई बीम कर लेता हूँ तो ये फर्क है, ठीक है, फॉग लैम्प ऑन एंड ऑफ करते हैं। सो अच्छी पावरफुल लाइट्स हैं। एंड अगर मैं सिर्फ इसमें पास दूं तो ये देखिए, मैं सिर्फ पास देता हूँ, डिपर मारता हूँ, तो अच्छा लाइट है, पावरफुल लाइट है। ऐसा नहीं है कि लाइट पावरफुल नहीं है, दे आर पावरफुल। एंड ऑल्सो जब आप इसमें देखते हो तो यहाँ पे आपको लाइट इंडिकेशन ऊपर की तरफ दिखेगा, ठीक है, लो बीम एंड आपका जो हाई बीम है, ये हाई बीम हो गया। सारी वार्निंग लाइट्स आपको इस MID में नीचे भी आपको दिखाएगा। सो ऐसा कुछ है, फ्यूल अगर लो है, फ्यूल भी और CNG भी, तो ऐसे वो ब्लिंक करेगा। अब देखो यार, यहाँ पे लाइट्स आपको सब जगह मिल रही हैं, सिर्फ वही है कि नीचे जो आपको यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे एक USB पोर्ट है, इसमें लाइट नहीं है, 12V के सॉकेट में लाइट नहीं है। सो वाइल ड्राइविंग रात के टाइम में ना, इन चीज़ों को आपको थोड़ा अपने अंदाजे से लगानी पड़ेंगी या निकालनी पड़ेंगी। हालांकि इनमें USB पोर्ट में एक लाइट दे देते छोटी सी, या फिर इस 12V सॉकेट में दे देते। 12V सॉकेट चलो ठीक है, एक बार लगाया वो लगा रहता है, बट USB पोर्ट में देना चाहिए था, जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना डिस्टर्ब करती हैं वाइल ड्राइविंग। ऑल्सो अगर यहाँ पे देखते हो, ये लाइट काफ़ी अच्छी दे दी कि इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं दी, येलो कलर की जो लाइट होती है। उसके अलावा तो भाई ठीक है, जिस हिसाब से इसके इंटीरियर कैबिन है, थोड़ा इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी लाइट थोड़ी ब्राइट हो जाती है। अब वो मुझे उस वजह से लग रहा होगा, वो ज़्यादा ब्राइट है उस वजह से, बट पूरे डार्क में या हाईवे पे रहोगे ना तो अच्छी लाइट आएगी। और तो भाई उसके अलावा कुछ नहीं, उनमें लाइट दी नहीं है। अगर इन चारों बटन्स में लाइट दे देते यहाँ पे, वो भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता, बिकॉज ड्राइवर को सारी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए अकॉर्डिंगली, जो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सो भाई ये था पूरा इसके ओवरऑल नाइट, जो नाइट के टाइम में आपकी टाटा टिगोर कैसी दिखती है, ये जो टॉप मॉडल मैंने सेलेक्ट किया है। और भी देखो, लोअर वेरिएंट्स का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या है उनका पूरा हिसाब किताब। सो भाई ये था पूरा स्पेशल नाइट रिव्यू टिगोर के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ, लाइक और शेयर ज़रूर करना। एंड ऑल्सो ये कुछ रेयर प्रोफाइल है, बहुत अच्छा लगता है पीछे से गाड़ी, स्पेशली वो जो इसमें हाई माउंट स्टॉप लैम्प इतना बड़ा सा दिया ना, वो बहुत लाजवाब दिखता है। सो आपको कोई और गाड़ी भी चाहिए ज़रूर बताना। एंड क्रेटा, एल्काज़ार, कैरेंस, इन सब गाड़ियों पे कर चुका हूँ, सोनेट, सेल्टॉस, प्लीज़ चेकआउट करो। एंड कुछ भी आपको अलग से गाड़ी पे चाहिए तो ज़रूर बताना कमेंट में। तो यस, ये अच्छी लग रही है, लाइट्स पावरफुल हैं। सो यस, बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।